सो अभी आप लोगों ने जो एलिवेशन देखा उसी एलिवेशन का हमने एक प्लान ड्रॉ किया है। सो आज का जो हमारा प्लान एक 31x31 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान है जिसमें कि हमने एक 4 BHK प्लान किया था। सो चलते हैं प्लान की तरफ, देखते हैं उसको डिटेल में। सो ये हमारा आज का प्लान है। फर्स्ट हमारी इसकी जो विड्थ है 31 फीट की होगी एंड हमारी इसकी जो लेंथ है वो सेम 31 फीट की होगी। फर्स्ट हमने फ्रंट में एक एंट्रेंस प्रोवाइड किया, स्टेप्स हम ऊपर आएंगे हमारे बरामदा एरिया के अंदर। इस बरामदे का जो हमारा साइज होगा वो 10 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 10 फीट 6 इंच इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। तो हमने दोनों साइड्स में हमने छोटा सा गार्डन प्रोवाइड किया है। इसकी जो हमारी विड्थ होगी 2 फीट की होगी, 2 फीट वाइड हमारी ये विड्थ होगी इसकी। देन ये मेन डोर से हम एंटर करेंगे हमारे ड्राइंग एरिया के अंदर जो कि हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया होगा। इसका जो हमारा साइज होगा 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 10 फीट 6 इंच इसकी विड्थ होगी एंड 12 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम का जो हमारा साइज होगा 9 फीट बाय 9 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने हमारा सेकेंड बेडरूम प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा वो भी सेम 9 फीट बाय 9 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 9 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 9 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने किचन का एरिया प्रोवाइड किया। यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे किचन एरिया के अंदर। इस किचन का जो हमारा साइज होगा वो 8 फीट बाय 8 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 8 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 8 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने स्टेयर्स का एरिया प्रोवाइड किया है। यहाँ से हमारी स्टेयर जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएंगी। हमारी स्टेयर्स की जो विड्थ होगी 3 फीट वाइड होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम का जो हमारा साइज होगा 10 फीट बाय 10 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस बेडरूम से अटैच हमने एक WC एंड बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 4 फीट बाय 7 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन यहाँ से हम एंटर करेंगे हमारे फोर्थ बेडरूम के अंदर। फोर्थ बेडरूम का जो हमारा साइज होगा वो भी सेम 10 फीट बाय 10 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 10 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 10 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। देन इस पोर्शन में हमने कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है। इसका जो हमारा साइज होगा 4 फीट बाय 7 फीट का होगा जिसमें कि हमारा 4 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज प्रोवाइड किए, जितने भी विंडोज को हमने W से डिनोट किया है, इन सभी विंडोज का जो हमारा साइज होगा वो 4 फीट हमारी इसकी विड्थ होगी एंड सेम 4 फीट हमारी इसकी लेंथ होगी। इस प्लान में हमने जितने भी विंडोज को V से डिनोट किया है, इन विंडोज का जो हमारा साइज होगा 2 फीट इसकी विड्थ होगी एंड सेम 2 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान में हमने जितने भी डोर्स प्रोवाइड किए, जितने भी डोर्स को हमने D से डिनोट किया है, इन सभी डोर्स का जो हमारा साइज होगा वो 3 फीट इसकी विड्थ होगी एंड 7 फीट इसकी हाइट होगी। जितने भी डोर्स को हमने D1 से डिनोट किया है, इसका जो हमारा साइज होगा 2 फीट 6 इंच इसकी विड्थ होगी एंड 6 फीट इसकी हाइट होगी। इस प्लान का हमारा जो ओवरऑल एरिया होगा वो 961 स्क्वायर फीट का होगा एंड हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10-12 लाख के अराउंड आएगा जो कि वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये था हमारा आज का प्लान जो कि 31x31 स्क्वायर फीट का एक हाउस प्लान था जिसमें कि हमने एक 4 BHK प्लान किया था।